क्यों नहीं हुआ विकास? मुखिया जी आपके हैं, मुखिया जी कभी खाली पैसा लेना जानता है। तो किस प्रकार वो उन्होंने विजय हासिल की है, जीत हासिल की है, कैसे मुखिया पद तक है? बहला फुसला के कुछ लोगों को, हासिल नहीं के कुछ लोगों को। क्या चाहते हैं आप लोग? विकास चाहते हैं। विकास अगर नहीं होगा तब क्या होगा? अगले बार चुनाव में क्या होगा? अगले चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? वोट नहीं देगा। जब हमारा कार्यक्रम करवा थोड़ा दबाव रहता है, बच्चा बुतरू हमारे नाली में गिर गया जीता है, रोड पर अथिये होते, फिर ओकरा वोट दे के की होते? जैसे तैसे पड़ा लगा दुनिया जीता था, की कर रहा है यहां, की कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूं गिद्धौर प्रखंड के अंतर्गत सेवा पंचायत में और वार्ड नंबर 1 में, जहां पर चंद्रशेखर पासवान हमारे बीच मौजूद हैं, वो वार्ड कमिश्नर हैं। स्थिति यह है कि एक बार भी यहां के जनप्रतिनिधि या मुखिया इस क्षेत्र में दौरा करने नहीं आते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति, नाली जाम पड़ी हुई है, रोड टूटी हुई है। ऐसे में चंद्रशेखर जी जो यहाँ के वार्ड कमिश्नर, उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि मुझे बाहर जाके काम करना पड़ता, और ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया जी तो कभी दर्शन देते ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड के समय में आते हैं, अपना काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे में जनता परेशान है, और भी अनेक वार्ड है, यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है सेवा पंचायत से। देखिए मेरी खास रिपोर्ट सेवा से। अभी मैं गिद्धौर प्रखंड के सेवा पंचायत में मौजूद हूँ, जहाँ पर ग्रामीणों के बीच में काफी आक्रोश है। क्या नाम है आपका? रावत। क्या हो रहा है, कितना विकास हुआ आपके वार्ड में? देखो पैसा नहीं। क्यों नहीं हुआ विकास? मुखिया जी आपके हैं, मुखिया जी कभी खाली पैसा लेना जानता है। तो किस प्रकार वो उन्होंने विजय हासिल की है, जीत हासिल की है, कैसे मुखिया पद तक है? बहला फुसला के कुछ लोगों को, हासिल नहीं के कुछ लोगों को। क्या चाहते हैं आप लोग? विकास चाहते हैं। विकास अगर नहीं होगा तब क्या होगा? अगले बार चुनाव में क्या होगा? अगले चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? वोट नहीं देगा। जब हमारा कार्यक्रम करवा थोड़ा दबाव रहता है, बच्चा बुतरू हमारे नाली में गिर गया जीता है, रोड पर अथिये होते, फिर ओकरा वोट दे के की होते? जैसे तैसे पड़ा लगा दुनिया जीता था, की कर रहा है यहाँ, की कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। गली गली नदी चले गए, यहाँ सब लोग अपना देखते हुए आकर लेकिन अपन गांव के बना लेंगे, लेकिन ये सब दुनिया वीडियो कर रही है। आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगे आप? आने वाले समय में विकास जो करेगा उसको देंगे, उसको चुनेंगे। इन लोगों को देख लीजिए, अब एक भी वोट हम उनके साइड से नहीं जाएगा। नाम बताइए। मीना देवी। कौन सा गांव है ये? देखो सरसा है, दुर्गा पर देखो कि कितना पिलुआ बोल। कौन सा पंचायत है ये? क्या स्थिति है रोड के नाले की? हाँ देख लो है, जब देखे काम है, 10 को देख सको है। आपके क्षेत्र में आपके मुखिया का दौरा होता है, कभी आपसे मुलाकात होती है? कहियो न गरीब पर, कहियो न बात देखेले कि जरी गरीब के देखबे, गरीब के भी देखबे। जो वृद्धा पेंशन वगैरह उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? की मिलता है, जो मिलता जो मिलता, गरीब आदमी तो हमारे साथ मरा न हो। नहीं मिल रहा है? ना है 400। क्या नाम है आपका? बछिया देवी। कौन सा वार्ड है ये? अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर है? देखिए समस्या है, ये नाला नहीं बन रहा है सब, पीलू बुला। और की समस्या है? क्या आपके मुखिया कभी यहाँ पर आते हैं, आप लोग से मिलते हैं? नहीं कहीं उनमें आते हैं। क्या नाम है आपका? सहदेव रावत। कौन सा वार्ड है ये? 1 नंबर। कौन सा पंचायत है? सेवा पंचायत। क्या समस्या यहाँ पर है आप लोग को? यहाँ समस्या है कि जब से जीता है कभी एक भी काम भी नहीं किए हैं वो मुखिया जी। क्या कभी आपने संपर्क किया उनसे? संपर्क कौन करेंगे, वो बोलता है मतलब चलता है उधर तो मतलब आता है कि दौर में, कभी आप लोग से मिलने नहीं आते? कभी न। यहाँ के वार्ड कमिश्नर का क्या हाल है? वार्ड कमिश्नर मतलब इसको पेट नहीं चलता, चल जाता है कमाने के लिए कहीं बाहर। स्थिति बहुत दयनीय हो रखी है, एकदम पूरा दयनीय है। अभी 10 दिन हुआ है इसको पहुँचने यहाँ। अभी क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर पासवान। कितना नंबर वार्ड का आप वार्ड सदस्य हैं? वार्ड नंबर 1 सरसा।
लगभग अब 3 साल से प्लस बीत चुका है, आपके वार्ड में जो आपको जनता मतदान दिए हैं, आप कितना उसको विकास करके कर पाए हैं अब तक? अपने विकास तो अभी तक कुछ किए नहीं है। ऐसे में जनता अगले बार आपका चुनाव कैसे करेगी? कुछ वार्ड काम नहीं विकास नहीं किए तो अगला बार थोड़ी हमको जनता चुनेगी। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा है कि आप आर्थिक स्थिति के दयनीय होने के कारण आप बाहर में जाकर नौकरी कर रहे हैं। सही बात है। ऐसे में विकास क्या होगा यहाँ पर? जब हमें ही पेट नहीं चल रहा है तो हम विकास कहाँ करेंगे? जब मुझे काम ही नहीं। आपके वार्ड में वार्ड नंबर 1 के नाला में पूरा बिल्कुल कीड़े एकदम गिजबिजा रहे हैं, नाली जाम, ऐसे बीमारी फैल जाएगी और पूरी महामारी फैलने का डर है। अभी तो आपने संपर्क किया अपने मुखिया से? हाँ, हम तो किए हैं। क्या कहा उन्होंने? देख के भी गए हैं, वो बोले थे कि जो है 2-4 दिन में काम इसका चालू हो जाएगा, जो कागज उगज हम बना रहे हैं। ये कितने दिनों की बात है? ये अभी 10 दिन से। लेकिन बीमारी ये नाला तो बरसों पुराना। हाँ, ये तो है ही, 10 साल पहले ही बनाई हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कुछ नहीं, ये नाला ये विकास हो जाए, रोड जैसी है नाला है, इसके जैसे और नाले हैं 1-2 जो उसे भी बन जाए, इससे ज्यादा और हम क्या चाहेंगे? क्या सभी वार्डों में स्थिति ऐसी ही है जैसे 1 नंबर वार्ड की स्थिति है? बहुत ऐसे वार्ड में कुछ विकास भी किए हैं। इस वार्ड में विकास क्यों नहीं हुआ? अभी मैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो मुखिया जी बोले हैं तो अभी तो बोले उनके बारे में, इस नाले के बारे में, तो अभी तो कोई इनका अच्छी नहीं आया है। कागज वो बनेंगे तभी हो सकता है इनका काम हम चालू कर सकते हैं। क्या आप अपने मुखिया से संतुष्ट हैं इनके कार्यकलाप से? देखिए, हम तो उनसे संतुष्ट है ही, हम कभी उनसे बाहर नहीं गए हैं, हम एक सोच के ये नहीं गए हैं कि हम सोचे 2 पैसा हम भी कमाएं और विकास भी अपना वार्ड को करें, इससे ज्यादा हम। लेकिन कुछ विकास नाम का चीज नहीं, अभी तो कुछ किए नहीं, एक नाले के बारे में ही बोले हैं। आप मुखिया के ऊपर भी जो अधिकारी हैं जांच उच के लिए कभी देखते हैं इधर? नहीं, वो कभी आए नहीं, कभी नहीं आए। वो नहीं तो हमारे ग्रामीण ही सब बताएंगे। ना कोई नहीं आया, या मुखिया का कार्यकाल हो रहा है या ना यहाँ हो रहा है वीडियो द्वारा और कई अधिकारियों द्वारा कभी यहाँ पर दौरा हुआ है? नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। कौन सा वार्ड है आपका? ये 1 नंबर वार्ड सेवा पंचायत से आप हैं। क्या समस्या है यहाँ पर? यही समस्या आप लोग तो देख ही रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुखिया जी तो कभी आए नहीं इधर, मुखिया ने कोई संपर्क आप लोगों से? कुछ नहीं किया। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे, गांव घर का थोड़ा बढ़िया रोड बने, नाली बने, और क्या चाहेंगे, इतना ही बहुत है। लेकिन कुछ कर कहाँ पर रहा है वो लोग? नाला का जो दुर्दशा जिस तरह हम देख रहे हैं, हाँ आप लोग देख ही रहे हैं। क्या दुर्दशा कब से है इस तरह? बहुत दिन से है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। आप लोग मतदान देते हैं लोकसभा विधानसभा पंचायत का चुनाव मतदान करते हैं? 3 मुद्दों पर मतदान करते हैं, विकास के नाम पर या किस मुद्दे पर? हम लोग यही चाहेंगे कि नहीं इसको गांव में मतलब थोड़ा विकास होना चाहिए, और क्या हमको चाहिए? ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा? ना कुछ नहीं। इस समय मैं मौजूद हूँ सेवा पंचायत में, जहाँ पर सड़क का निर्माण होया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार की ईंटें की यहाँ पर जोड़ाई की जा रही है, बिल्कुल 3 नंबर या 4 नंबर ईंटें से कहा जा सकता है। और मट्टी जो बालू है उसके ऊपर बलकशी के ऊपर में आप देख रहे हैं ईंटें गिरे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ये ईंटें बिल्कुल 3 नंबर के या 4 नंबर के ईंटें, बिल्कुल टुकड़े ईंटें हैं, कहीं भी सबूत ईंटा नहीं। आप देखेंगे अपनी अस्थाई देखेंगे आप तो टुकड़े टुकड़े यहाँ पर है। क्या गुणवत्तापूर्ण काम होगा कहना मुश्किल है। सेवा पंचायत इस समय में मौजूद हूँ सेवा पंचायत में, जहाँ पर आप देख रहे हैं रोड बन रही है। स्थानीय ग्रामीणों का आक्षेप है कि इसमें जो ईंटें लग रहे हैं वो बिल्कुल ही निम्न तरीके के लगे हुए हैं और टुकड़े ईंटे में काम हो रहा है, कोई भी सबूत ईंटा नहीं है। और ईंटे की क्वालिटी तो आप देख सकते हैं, गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं।